हे गाइस, कैसे आप सब? आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मास्टर पीडीएफ लेकर आया हूं, जिसमें कुल 230 प्रश्न हैं, जो कि सिंपल सामान्य ज्ञान क्वेश्चन है और है भी काफी इंपॉर्टेंट। तो चलिए सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? किरण बेदी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, शीला दीक्षित, द्रौपदी मुर्मू। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेटिक। दोस्तों, यदि आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पहले सही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। आप में से जिस किसी ने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है उनका आंसर 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को रट लेंगे, याद कर लेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है?
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। और यदि पूछा जाए कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, गोमुख, उत्तराखंड। गोमुख से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? आप में से जिस किसी ने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है, उनके आंसर 100% सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंधी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 15 साल, 16 साल, 21 साल, 18 साल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसके आंसर आप ही को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, हॉकी। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपनी छोटी बहन के साथ, अपने छोटे भाई के साथ, या फिर अपने फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं?
इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957। 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? रायपुर, जयपुर, उड़ीसा, असम। तो दोस्तों, इसका भी आंसर आप ही को देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। यदि पूछा जाए भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी, अन्ना जॉर्ज, फातिमा बीबी, बछेंद्री पाल। आप में से जिस किसी ने ममता बनर्जी बताया है, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेखा यादव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुरेखा यादव। क्वेश्चन नंबर 29। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राजकुमारी लक्ष्मीबाई, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, कल्पना चावला। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, हुमा कुरैशी, रजिया सुल्तान। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष यादव। आंसर क्या हो जाएगा? संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 31। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? कल्पना चावला, स्मृति ईरानी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सावित्री फुले, सरोजनी नायडू, किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज। आप में से जिस किसी ने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है, यानी कि किरण बेदी,
उनका आंसर 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थे? आंसर हो जाएगा अन्ना जॉर्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। दोस्तों ये पीडीएफ मास्टर पीडीएफ है, इसमें कुल 230 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? कुल 230 क्वेश्चंस है। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी छोटी बहन के साथ, छोटे भाई के साथ या फिर आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंदी गोपाल जोशी। क्वेश्चन नंबर 36, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, सावित्री फुले, मदर टेरेसा, सुचेता कृपलानी। आपका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सावित्री बाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, किरण बेदी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव, शीला दावरे, स्मृति ईरानी, बछेंद्र पाल। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीला दावरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरला ठकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, मीरा कुमार, फातिमा बीवी। तो दोस्तों इसका भी आंसर आप ही को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी हमें बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी सुरेखा यादव, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप में से जिस किसी ने ऑप्शन ए को सही बताया है, यानी कि एनी बेसेंट, उनका आंसर 100% सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमारी अमृता कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? आपके ऑप्शन है फातिमा बीवी, लीला सेठ, रोमा पाल, इंदु मल्होत्रा। आप में से जिस किसी ने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है, यानी कि लीला सेठ, उनका आंसर राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर हो जाएगा फातिमा बीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है? आपका आंसर हो जाएगा रीता फाड़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मिस इंडिया बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थर विक्टोरिया अब्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एशियाई खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के किस महिला ने सबसे पहले मिस यूनिवर्स का ताज जीता है? रीता फाड़िया, कल्पना चावला, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, WTA खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत की पहली महिला अभिनेत्री दुर्गाबाई कामत, स्मृति ईरानी, श्रीदेवी, सुष्मिता सेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्गाबाई कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह। तो दोस्तों, इसका आंसर आप ही को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? भारत
भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ममता बनर्जी, लालू यादव, जॉन मथाई, राकेश शर्मा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन मथाई। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए बलदेव सिंह। यदि पूछा जाए कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सन्मुख चेट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपका सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, भारत के प्रथम महिला आईएएस थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्ना जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मदर टेरेसा, बछेंद्री पाल, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आंसर हो जाएगा किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है?
वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 72, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, वर्तमान भारत के वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राहुल गांधी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 74, वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है? नरेंद्र शाह, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, राजनाथ सिंह, ममता बनर्जी, नरेंद्र सिंह तोमर। आपका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुब्रमण्यम जयशंकर। वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 77, वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 78, वर्तमान भारत के रेल मंत्री कौन है? वर्तमान भारत के रेल मंत्री कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वर्तमान भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? वर्तमान भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? आपका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली। आपका आंसर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमल। क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? आंसर हो जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 5, 7, 8, 9। आपका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर उन साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें पढ़ना और लिखना अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? 597, 697, 797, 897। आपका आंसर हो जाएगा 797। वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं?
आंसर हो जाएगा 797। क्वेश्चन नंबर 74, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा। आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, मिजोरम, मेघालय। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 76, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 77, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। दोस्तों, आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं हमें जरूर से बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। आपका आंसर हो जाएगा केरल। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आपका आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड।
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 88, वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है? जी हाँ दोस्तों, आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। दोस्तों इस शीट में, इस पीडीएफ में कुल 230 प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप 230 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं हमें जरूर से बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 92, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी क्वेश्चनों को रट लेंगे। भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100,
भारत का सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, हैदराबाद में। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 103, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, सिक्किम, बिहार, महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? गेहूं, गन्ना, मक्का, चावल। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी, चावल। क्वेश्चन नंबर 105, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका आंसर आप ही को देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा कनौज को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, गोवा, वाराणसी। इस सवाल का आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है?
भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लुधियाना में, अमृतसर में, उड़ीसा में। आंसर हो जाएगा अमृतसर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तो इस मेहनत की कदर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? यमुना नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, घाघरा नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपने भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे महंगा होटल किस शहर में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पेड़ किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, भारत में सबसे ज्यादा नारियल किस राज्य में उगाए जाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, अटल जी, इंदिरा गांधी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? शिमला, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक इस राज्य में पाई जाती है? भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? दिल्ली, कोलकाता, कर्नाटक, राजस्थान। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? मेघालय, केरल, सिक्किम, कर्नाटक। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जोर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हमेशा बारिश होती रहती है? केरल, कर्नाटक, मेघालय, चेरापूंजी। इस सवाल का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? केरल, उत्तराखंड, पंजाब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया? गंगा नदी, यमुना नदी, दामोदर नदी, साबरमती नदी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम नागरिक कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 356, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत में गंगा कहा जाता है? गोदावरी, वेगी, नील, लूनी। आंसर हो जाएगा गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी क्वेश्चनों को रट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। आपका अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? 50 मीटर, 60 मीटर, 72.5 मीटर, 100 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है? हाथी, गधा, बैल, ऊंट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? आपके ऑप्शन से, सत्यमेव जयते, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री कुंवारा था? भारत का कौन सा प्रधानमंत्री कुंवारा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? डीजीपी, एसपी, आईजी, एडीजीपी। आंसर हो जाएगा डीजीपी।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 फरवरी 1931। 13 फरवरी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सही नक्शा कौन से व्यक्ति ने बनाया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम लेम्बटन और जॉर्ज एवरेस्ट। आपका अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करते थे? आप में से जिस किसी ने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है, यानी कि अशोक स्तंभ, उनका आंसर 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1983। कब जीता था? आंसर हो जाएगा 1983। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1911 में। 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ले। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में कितने सदन हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रमुख त्योहार है? भारत में कितने प्रमुख त्योहार है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36। प्रमुख त्योहार कितनी है? आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, हाथी, घोड़ा, जिराफ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत। तो दोस्तों इसका आंसर आप ही को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद, नीम, आम, पीपल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बिहार। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, हंस, कबूतर, बुलबुल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरे का खान किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में केवल दो जिले हैं? नागालैंड, असम, गोवा, केरल। आंसर हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी।
आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी सुरंग है? भारत का सबसे लंबी सुरंग है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनानी नेसारी सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों इसके आंसर आप ही को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस राज्य में स्थित है? ताजमहल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? 10, 15, 22, 25। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? आंसर हो जाएगा 1916, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय पुरुष थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। दोस्तों इस पीडीएफ में कुल 230 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 230। तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं हमें जरूर से बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत, चक्रवर्ती, सिंधु, हिंदुस्तान, अन्य। आपका आंसर हो जाएगा सिंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति, ऋण, आर्थिक सुधार, अन्य। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द न्यूज टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलियां होती है? 22, 24, 26, 28। आपका आंसर हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है? आपका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तट रेखा की लंबाई है? भारत के तट रेखा की लंबाई है? दोस्तों इसका आंसर आप ही को देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 11। आपका आंसर हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड क्लिप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? मेकाल, हिमालय, नीलगिरी, अरावली। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
जी हाँ दोस्तों, आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों मैंने एक पोल किया था, उसमें काफी 60% लोग गलत आंसर दिया था, तो जान लीजिए कि आंसर क्या होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को आजादी कब मिली? इसका आंसर तो आप ही को देना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते, आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था? भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी। आपका आंसर हो जाएगा मूसी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका लास्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? आपके ऑप्शन से रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, बर्फी। तो दोस्तों इसका आंसर आप ही को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है।